दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे अगर आप MI का स्टोर ओपन करना चाहते हैं, MI स्मार्टफोन और TV वगैरह सेल करना चाहते हैं और उससे अच्छा खासा अर्निंग करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है कि MI का स्टोर खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाएंगे, पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उसको भी इस का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं MI स्टोर ओपन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा MI.com पे और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा। जैसे आप MI.com पे आएंगे तो ये MI की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आप देख सकते हैं MI की फ़ोन वगैरह भी है, तो इस जो है MI की जितने प्रोडक्ट होते हैं वो सारे आपको MI की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। जब आप MI.com की वेबसाइट पे आएंगे सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको मिल रहा है रिटेल स्टोर, रिटेल स्टोर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मिल रहा है MI स्टोर। सिंपली से क्या करेंगे आप MI स्टोर पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप MI स्टोर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बता रहा है MI स्टोर, यहाँ पे देख लीजिए MI स्टोर मतलब MI स्टोर ओपन करने के लिए प्रोडक्ट सेल करने के लिए स्मार्टफोन वगैरह उसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंचाइजी, उसके लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया अप्लाई नो, ठीक है, और नीचे करेंगे इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है कैसे क्या करना होगा, ठीक है, हाई क्वालिटी स्मार्टफोन वगैरह ये पूरी चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल में दिए गए। सबसे पहले यहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस बताया गया है कि आपका एप्लीकेशन आपको कैसे प्रोसेस करना होगा और कैसे आप एक MI स्टोर ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 6 स्टेप से गुजरना होगा। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपको अप्लाई करना होगा जो आज की इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन एप्लीकेशन रिव्यू बाय पैनल, आपका जो आवेदन वो जाएगा MI के टीम के पास, वो रिव्यू करेगा। उसके बाद MI वाले आपको देखेंगे कि इस एरिया में जहाँ भी आप खोलना चाहते उस एरिया में MI स्टोर की ज़रूरत है या नहीं है, या वहाँ पे उस एरिया में MI स्टोर देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। उसके बाद चौथा स्टेप आता है इन स्टोर विजिट, जो MI के टीम होते हैं वो आपके स्टोर जो मतलब आपका जो शॉप होगा उसको विजिट करेंगे, वहाँ पर आएंगे MI पार्टनर वगैरह, ठीक है, तो जब वहाँ पर आके विजिट करेंगे आपका शॉप को। उसके बाद पांचवा स्टेप होता है फिनांस चेक, जब आपका सेंटर सेलेक्ट हो जाएगा चुना चले जाएगा तो आपको फाइनेंस चेक भी दिया जा सकता है जिसकी वजह से आप लोन पे भी मोबाइल वगैरह सेल कर सकते हैं। उसके बाद छठा और अंतिम स्टेप आता है एग्रीमेंट एंड स्टोर स्टाम्प, आपको एक एग्रीमेंट करना होगा कंपनी के साथ, इसके बारे में जो इनके पार्टनर होंगे वो आपको बता देंगे। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी पूरी चीज़ देगी दी गई है। तो आप पूरी चीज़ विस्तार से यहाँ पे आप समझ लीजिएगा और मेन जो प्रक्रिया है पूरा ओपन करने का आपको 6 स्टेप से गुजरना होगा तभी आपको यहाँ पे MI स्टोर मिल सकता है। चलिए पहला स्टेप की ओर बढ़ते हैं, पहले स्टेप के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे की गए साइन इन योर अकाउंट, आपको एक अकाउंट बनाना होगा जिसके लिए आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे गेट वेरीफाई कोड पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे गेट वेरीफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल में भेजा गया वो वेरिफिकेशन कोड देंगे, उसके बाद यहाँ साइन इन साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना शॉप का नाम देना है, जो भी आपका शॉप का नाम होगा वो देना होगा। शॉप का नाम देने के बाद यहाँ पे आपका जो भी नाम हो वो अपना नाम दे देंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पे एक अपना मोबाइल नंबर दे देंगे जो भी मोबाइल नंबर हो। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं जिसकी मदद से इनकी टीम आपसे संपर्क करेगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड देंगे, जो भी आपका एरिया का पिन कोड देंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपको सिटी और स्टेट सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको GST नंबर देना होगा, तो याद रखिएगा ये GST नंबर देना आपको ज़रूरी है, जब तक GST नंबर नहीं देंगे तब तक ये आपका
सबमिट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एज, अपनी एज देंगे, जो ले रहा है उनकी एज क्या है वो एज आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी स्टोर है, तो यहाँ पे यस या नो, अगर कोई भी स्टोर ऑलरेडी है तो यस या नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं स्टोर की जानकारी, स्टोर की हाइट देंगे स्क्वायर फीट में और फ्रंट देंगे फीट में, और ये सारा चीज़ आप यहाँ पे दे देंगे। चलिए हम यहाँ पे फीट में दे देते हैं एरिया। और यहाँ पे कह रहा है कि पार्टनर इसे कोई बिजनेस, इसके अलावा कोई बिजनेस आपका है तो यहाँ पे मैं नो एन मतलब कि नॉट अवेलेबल दे देता हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्टोर टाइप, स्टोर जो आपका वो किस पे है, रेंट पे या खुद का है, तो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेंट का है तो कितना रेंट आप तो उसको अगर रेंट देना चाहे तो उसके लिए कितना चार्ज लेना चाहेंगे तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है रेंट का मतलब आपका जो स्टोर है, स्टोर का दो फोटो अपलोड करना होगा। उसके लिए यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना स्टोर को अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये स्टोर जो है अपलोड हो रही है। उसी के साथ साथ यहाँ भी दूसरा फोटो अपलोड करेंगे, यानी कि अंदर से एक और बाहर से, दोनों फोटो को आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने दोनों फोटो को अपलोड कर दिया हूँ। दोनों फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे टिक मार्क ऑटोमेटिक लगा रहेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट बटन क्लिक करेंगे यहाँ पे कह रहा है योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, यू हैव सक्सेसफुली, वी हैव सक्सेसफुली रिसीव, यानी कि हमारा आवेदन इनको रिसीव हो गया है। अब रिव्यू किया जाएगा इनकी टीम के द्वारा 5 से 7 डे में, मतलब कि 5 से 7 दिन के अंदर इस एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट करके हमें दे दिया गया है, और इसके बारे में जो जानकारी मिलेगा वो हमें नोटिफाई किया जाएगा कि इस पर ईमेल आईडी पे हमें इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा अगर हम यहाँ पे ये सेंटर ओपन होगा। तो अगर हमारी एप्लीकेशन MI टीम को पसंद आए तो वो ओपन कर सकती है, उसके लिए हमें नोटिफाई करें कि ईमेल आईडी। चलिए ईमेल आईडी को ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए MI इंडिया के द्वारा एक मेल मुझे आ चुका है, योर MI स्टोर एप्लीकेशन सबमिटेड, जो एप्लीकेशन सबमिटेड हुआ है उसके डिटेल भी हमें मेल मिल चुका है। तो यहाँ पे देख लीजिए वही है जो हमें दिया गया, तो वहाँ पे योर MI स्टोर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली सबमिटेड है, ठीक है। तो इसी तरह जो भी जानकारी होगी उनके लिए मेल हमें मिल आएगा, मेल के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट सपोर्ट के लिए ईमेल आईडी भी दिया गया और यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया। कोई भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए आप मेल वगैरह भी कर सकते हैं। तो जो भी इनकी ओर से आपको नोटिफाई किया जाएगा वो आपको ईमेल के माध्यम से ईमेल पे ही किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऊपर जरूर कर लीजिएगा।